हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं बहुत दिन के बाद ये इंट्रो कर रहा हूँ। अभी पिछले कुछ वीडियोस से आकाश मेरे साथ था तो ये इंट्रो करने का मौका ही नहीं मिला। तो या आज हम लोग रिएक्ट करने वाला है जैद अली के लेटेस्ट वीडियो पर, जिसका टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सास और बहू की लड़ाई। तो और थंबनेल देख के पता चल रहा है कि इसमें यमुना और जैद की मॉम भी होने वाली है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स हे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस वीडियो इज प्रोबब्ली गोना बी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वीडियो यू हैव एवर सीन, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज का सलूशन मिल जाएगा, ग्लोबल पॉवर्टी का सलूशन मिल जाएगा, आईफोन बेहतर है या एंड्रॉइड बेहतर है इसका भी सलूशन मिल जाएगा, लेकिन सास बहू के बिटवीन जो खिचड़ी पकती है उसका सलूशन हमें कभी नहीं मिलने वाला। टुडे वी हैव आवर टू गेस्ट विद अस, Yumna and Mama Bear, and we're going to be asking them very, very controversial questions. And the thing is, they cannot lie. So before we begin, आप दोनों को एक promise करना पड़ेगा, जो भी मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो भी मैं कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं। Lie detector test होना चाहिए। So guys, the questions are so controversial that I will be giving both of them one skip card. इसका मतलब के आप लोग एक question को skip कर सकते हैं, उसके सिवा बाकी सारे questions का जवाब देना पड़ेगा, okay? अभी जितनी खुशी आपको इनके चेहरों पे नजर आ रही है, ये खुशी बिल्कुल उड़ने वाली है। So ask you guys these questions and you guys are very evil for the kind of questions that you send me. So here we go with question number one. Mama Bear, अगर आपको पता होता कि यमुना मुझसे 4 साल बड़ी है, क्या ये आप शादी होने देती? मोस्टली हमारा जैसे मॉरली इमीडिएटली स्पाइसी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट हुआ है कि क्योंकि बहुत रेयर है हमारे सोसाइटी में कि लड़की लड़के से ओल्डर रहती है। बड़े बड़ी से शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, करनी चाहिए, बड़ी एज की और लड़कियों से भी शादी करनी चाहिए, बट पर्सनली मुझे छोटी जो है ना, वो जैसे ये मेरा पर्सनल, आप मुझे सीधा जवाब दे दें, लाइक और डिसलाइक है कि छोटी छोटी की मुझे ज्यादा वो अच्छा लगता। तो आप जवाब दें हाँ या ना। हाँ, मैं नहीं करने देती। Kareem is also older than Fawaz. I'm so confused. Why would you not let Zed marry someone who's older than him? वो मेरा personal जैसे like और dislike से, वैसे हमें religiously बड़ी लड़कियों encourage करना। लेकिन सैद की मॉम के लिए क्लैप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना honest जवाब देना जब यमुना बाजू में बैठी है, impressive। अच्छा है कि बड़ी एज से हो जाए, कोई फर्क नहीं। खासकर हमें ऐसा लगा था कि जैसे वो सिर्फ 1 साल बड़ी है, बट बाद में पता चला वो ज्यादा बड़ी है। अगर मैं और मम्मा दोनों सीढ़ियों से गिर जाएं और तुमने किसी को पहले उठाना है, तुम किसको पहले उठाओगी, मुझे या मम्मा? I would probably pick up your mom because I think you have the capacity to get up yourself. मम्मा नहीं खुद उठ सकती। Obviously she's gonna need more help, like you know. क्या कहना चाह रही हो तुम? आज खुल के बोलो। Obviously she is older. Andy, you can say your son. सवाल है यार ये. Your heart's gonna ache. I think mama कहेगी Yumna. No, no, beta. आग लगा दो हर जगह, मेरे बेटे की टांग टूट गई है. So guys, as you can see, the questions are getting heated. There's a lot of debate going on. Yeah, but strong before start. We continue, हम छोटी सी एक ad break लेंगे. Oh. Keep watching. कौन बनेगा सास पति? We'll be right back after the break. This video is sponsored. हम लोग ये ad portion skip कर रहे हैं. And welcome back to the show, guys. We still have our guests with us. दोनों जिंदा हैं. दोनों एक दूसरे से अभी तक बातचीत कर रहे हैं. Everything is still going good. We're gonna move on to our next question. Okay, Mama Bear. आप हिजाब पहनती हैं. आपकी बेटी हिजाब पहनती है. तहरीम जो आपकी बहू है वो हिजाब पहनती है, यमुना हिजाब नहीं पहनती। How do you feel about that and what were your thoughts and what do you think about the whole situation? Skip करना। Yeah. नहीं देना जवाब। No. Okay. Okay. So Mama Bear skip card is out of the door. Oh, this question is gonna be okay. Let me breathe before I ask this question. ओके आपकी दो बहुएं हैं। ओ माय गॉड, बहू ओ नो, बोथ नहीं, एक पिक करनी है आपने।
Who is your अभी अभी सोच रही है कि स्किप कार्ड क्यों ने क्यों यूज कर लिया पहले, अभी स्किप भी नहीं कर सकती. फेवरेट बहू. मैं एक्चुअली फेवरेटिज्म पे बिलीव नहीं करती हूँ यार. मम्मा डिप्लोमेटिक आपने ओथ ली थी, जो भी मैं कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. कुछ चीजें यमुना की अच्छी हैं, कुछ चीजें तहरीन की अच्छी हैं, लेकिन इसलिए मैं कभी अभी इन दोनों को मैं उसमें नहीं गई. जैसे कोई मेरी फेवरेट नहीं अभी बनी है दोनों में से. दोनों ही सॉरी, नहीं दोनों ही अभी मेरी फेवरेट नहीं है. सिंपल बात मैं सीधी बता रही हूँ. I think that, I mean, Aunty Tehreen's your favorite bahu. It's fine. Like, it's okay to have a favorite bahu. You can admit it. No, no, aisi baat nahi hai. You told me one day that Tehreen, you like Tehreen better. अगर होती तो मैं कह देती. आई एम श्योर बोल तो रही है यमुना कि इट्स फाइन, लेकिन किसी को यह सुनना पसंद नहीं है. एंड ऑब्वियसली आंटी अच्छा काम कर रही है छुपाने का. तहरीम अगर मेरी फेवरेट होती तो मैं कहती हूँ आपसे डरती नहीं हूँ. मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि जैद की मॉम कितनी सैवेज है. और मैंने कुछ पहले के जैद के वीडियोस देखे थे, इवन कॉमेडी स्किट्स में भी आती थी कभी कभी. कुछ चीजें उसकी अच्छी हैं. एक यमुना की अच्छी चीज बता दे मुझे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी डिप्लोमैटिक क्वेश्चन. रसोड़े में कौन था? I know this. What does that mean? Gopi Bahu thi. Gopi Bahu laptop dhori thi. Rashi. Oh, damn. Who is a better cook? Raise your hand. अभी दोनों से रोटी एक बनवाते हैं, देखते हैं किसकी रोटी ज्यादा बेहतर बनती है. आज मैंने आटा तैयार किया. ये क्वेश्चन जैद से पूछना चाहिए था, क्योंकि ये जवाब देने में जैद मर ही जाता, क्योंकि इम्पॉसिबल होता था जैद को ये आंसर करना वाइफ या मॉम के खाने में. सीरियसली जैद को ये क्वेश्चन आना चाहिए, खा के जज करना चाहिए जैद को. ये लगता है यमुना ने छोटा डॉन बनाया, मम्मा ने बड़ा डॉन बनाया. You guys let me know in the comments below whose roti do you think is more round, which one is better, which one would you personally eat? Okay, next question. This question is from Mama Bear and this is the final question. इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे शेप और इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता रोटी के, मुझे बस स्टेज से फर्क पड़ता. Why someone asked this? Do you think Yumna is a gold digger? Alright guys, so that brings us to the end of the video. As you guys saw, I tried to make it as honest as possible. Like to give a big thank you to the cool Saas and Bahu that we have sitting with us right now. Koi final message aap dena chahengi? Saas Bahu edition, jo log watch kar rahe hain, any final thoughts or messages? Be happy and be friendly and love everybody. Auntie, do you want to give me a hug? ओके, तो जाके सब्सक्राइब कर लो जैद के चैनल को. एंड मैं बस वेट कर रहा हूँ कि आगे कुछ है क्या देखने के लिए, बट कुछ है नहीं. तो या काफ़ी फनी वीडियो था. आई विश कि ये थोड़ा लंबा होता, क्योंकि एक तो छोटा वीडियो था और उसमें से दो तीन मिनट तो ऐड था, तो हमें और क्वेश्चंस मिलते तो मज़ा आता. बट मानना पड़ेगा कि यमुना और जैद की मॉम ने बहुत ही मैच्योरली हैंडल किया सारे क्वेश्चंस को, और इवन आंसर्स बहुत ही ऑनेस्टली दिया. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. देखो, बोलने के लिए तो हर कोई बोलता है कि ऑनेस्ट जवाब देंगे, लेकिन एक्चुअली देना, लाइक जैद की मॉम तो सच्ची में सैवेज थी. एंड या बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो था हम लोग के लिए. एंड वो लास्ट का ऑकवर्ड हग भी काफ़ी फनी था. बट या जैसे मैंने बोला, आई विश कि ये वीडियो थोड़ा लेंथी होता, थोड़ा और क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस सच्ची में जो चूज़ किए थे ना पूछने के लिए, लोग इजी इजी क्वेश्चंस पूछेंगे ना, नहीं बहुत ही स्पाइसी क्वेश्चंस थे, तो देखने में मज़ा आया. तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलता है कल, क्योंकि अभी डेली वीडियोज़ बनाता हूँ, तो कल भी कोई रिएक्शन आएगा. मिलता है कल. बाय बाय.